कोरोना ने दुनिया भर को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में पिछले एक महीने में कोरोना के 8.5 लाख नए केस सामने आए हैं। WHO ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों में कोरोना के 52% केस बढ़े हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से 4 हफ्तों में 3000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 28 दिनों की तुलना में इन 4 हफ्तों में मौतें भी 8% बढ़ गई हैं। पिछले दिनों की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी 23% इजाफा हुआ है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के वेरिएंट JN1 की वजह से कोरोना में इजाफा हुआ है। यह काफी संक्रामक होता है। क्या पुरानी वैक्सीन JN1 पर है कारगर? कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के तेजी से फैलने पर यही सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इससे सुरक्षा कर सकती है। WHO ने बताया कि वर्तमान वैक्सीन JN1 और SARS-CoV-2 के जरिए होने वाली गंभीर बीमारी और मौत से सुरक्षा करने में सक्षम है। WHO ने कहा कि वह लगातार JN1 वेरिएंट पर नजर बनाए हुए है। WHO ने लोगों को वैक्सीन लगवाने, मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन करने की सलाह दी है, ताकि कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, WHO ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर टेस्ट कराने की सलाह भी दी है। क्या कहते हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर, जरा सुनिए। You don't need a variant specific vaccine. You need a vaccine which covers a broader, let's say, type of the virus. We have had multiple mutations. JN.1 is a sub-lineage of Omicron. So a vaccine which is made against Omicron will be effective against this variant also. But I think we need more data first to show what is the current immunity in the population and what is the protection that we are having based on the previous vaccination that we've got. Based on that only can we decide that do we need a new vaccine which covers the current circulating strain, and that is something that will have to be done on a regular basis because variants will keep changing. So if we say that we need a vaccine against this, then it may be something that you will need another vaccine after some time. So we need to have data as to how frequently do we need to vaccinate and what would be a good vaccine which would cover a broader range of variants which are there or which may emerge in the future. भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 752 नए केस मिले हैं। यह 21 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। वहीं एक्टिव केस की बढ़कर संख्या 3420 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जान गंवाने वाले 2 व्यक्ति केरल के नागरिक हैं।